नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। जबलपुर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन बदहाल सड़कें अब लोगों के हाथ पैर तोड़ने पर आमादा है। इसके लिए लगातार नगर निगम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गुणवत्ता का ख्याल निर्माण के दौरान नहीं रखा गया और ठेकेदारों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है नगर निगम के लोक निर्माण प्रभारी और MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल। कमलेश जी से जानेंगे कि किस प्रकार की हालात सड़कों के वर्तमान में है और उन्हें सुधारने की दिशा में किस प्रकार के प्रयास नगर निगम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। कमलेश जी, सड़कों की हालत अब मैं क्या बोलूं, जनता तो इतना बोल रही है कि अब कुछ बचा नहीं है सफाई देने के लिए, क्या आपका कहना है इस मामले में? नहीं, सफाई तो वैसे भी हम नहीं देते, लेकिन एक चीज आपसे बताना जरूर चाहते हैं कि इस वर्ष जो बारिश हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई पूरे मध्य प्रदेश को नहला दी, कई पुल टूट गए, कई रोडें उखड़ गई, कई सब कुछ हो चुका है। मगर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि विगत 2 सालों में जो रोडें बनी हैं, अभी निश्चित रूप से वो रोडें बहुत अच्छी है, वो कहीं से कोई उसमें गड्ढा नहीं हुआ, कहीं से रोड खराब नहीं हुई। और अभी विगत दिनों जो हमारे यहाँ बारिश हुई है, जिसके कारण रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, वो रोडें भी 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी हैं। और इसमें महापौर जी ने बैठकें भी ली है, कल परसों भी बैठक हुई है, और उसमें निश्चित रूप से पूरे गड्ढों को भरने के लिए अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। और जो रोड समय सीमा के पहले खराब हुई है, उसके लिए भी अधिकारियों को बोला गया है कि उस ठेकेदार पे कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कमलेश जी, हाल ही में आपने संभागीय अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और समीक्षा की है, क्या आपने फाइंडिंग में क्या आपके तथ्य उजागर हुए हैं, कितनी सड़कें खराब हुई हैं बारिश के चलते? नहीं, रोडें तो काफ़ी खराब हुई हैं, और जो कुछ पहले से गड्ढे थे वो गड्ढे भी बढ़ गए हैं। तो जोन अधिकारियों को और हमने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को SE को बुलाकर बैठक लिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ज़्यादा अपना नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने उनको तुरंत आदेश दिया है, आप देख रहे हो कि कल से गड्ढों का काम शुरू, भरने का काम शुरू हो गया है। और हमने उनको आदेश भी दिया है कि 3 दिन के अंदर पूरे शहर के गड्ढे भर जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब गड्ढे रहते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमने उनको ये भी आदेश दिए हैं कि यदि ऐसी रोडें, कुछ रोडों में लोकायुक्त की जाँच चल रही है, यदि वो जाँच खत्म हो जाती है तो हम उन रोडों को तुरंत बनाने की वो चेष्टा करेंगे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे हो गए उन रोडों को बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और महापौर जी लगातार इस ओर ध्यान दे रही हैं और प्रयास कर रही हैं, और लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं, ताकि इस प्रकार की जो रोडें बनी हैं उसको तुरंत बनाया जाए। और यदि वो लोकायुक्त के दायरे में आई है तो उन रोडों पे गड्ढे भरने का काम तुरंत किया जाए। और कल से मैं देख रहा हूं कि मैं खुद जाके निरीक्षण किया हूं कि कुछ रोडों के काम शुरू हो गए हैं, वो तो हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो फिर काम रुक जाता है। तो हम सभी रोडों पे गड्ढे भरने का कार्यक्रम शुरू। कमलेश जी, सड़कों की बदहाली को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और घटिया निर्माण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखो, अब घटिया निर्माण की बात इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि अब जो भी रोडें बन रहे हैं उसको कोर कटर किया जा रहा है, हम उसकी जांच करवाते हैं, सब तरीके से उसकी जांच होती है, जब उसकी पेमेंट की जाती है। तो अब ठेकेदारों में एक दहशत का माहौल है कि यदि आपने जरा सी भी रोड में कुछ गड़बड़ी की तो कोर कटर के थ्रू जो हमको पता चलेगा कि आपकी रोड में जरा सी भी गड़बड़ी है तो आपकी पेमेंट नहीं होगी और आपको ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा। इस प्रकार से यदि आप इस कार्यकाल की रोड देखेंगे तो बहुत अच्छी रोडें बन रही हैं, और विगत जो कार्यकाल की रोड है तो वो 4-5 साल हो गए उन रोडों को। यदि 4-5 साल के बाद यदि टूटती है तो उसमें ठेकेदारों की गलती नहीं है, लेकिन यदि जिस ठेकेदार ने जो रोड बनाया और समय सीमा के पहले खराब होती है तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे अधिकारियों से बोलकर पहले नोटिस दिया जाएगा। हमने विगत वर्ष कुछ ठेकेदारों को नोटिस भी दिया था, तो उन्होंने अपनी रोड के सुधार कार्य भी किए हैं। यदि इस प्रकार की कार्रवाई ठेकेदार करते हैं तो हम उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कमलेश जी, सीवर का काम शहर के कई इलाकों में चल रहा है और कई इलाकों में ऐसी स्थिति है कि अभी भी अधूरा पड़े हैं, परियोजनाएं जो है अभी भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जो काम अधूरे पड़े हैं उनके कारण जो है हालात और बिगड़े हैं? नहीं, पूरे शहर में जहाँ जहाँ सीवर का काम हुआ है लोग निश्चित रूप से बहुत परेशान हैं। मगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि उस पर टायरिंग हमको करना है तो बारिश के बाद ही होगी, क्योंकि ये जो काम शुरू हुआ था बारिश के 1-2 महीने पहले शुरू हुआ था, तो 1-2 महीने में तो अभी सीवर का ही काम शुरू हुआ था, रोड बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया था। अब जैसे ये बारिश खत्म होती, ठंड के समय, दशहरे के समय ये पूरी रोडों को बना दिया जाएगा, और इसमें पूरा काम हमारे सीवर लाइन वाले देख रहे हैं, वो पूरा काम शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपको लगेगा कि शहर में कुछ काम हुआ है। आने वाले दिनों में कमलेश जी त्यौहार हैं, कई प्रकार के धर्मों और मजहबों के त्यौहार आने वाले हैं, किस प्रकार की योजना है नगर निगम की सड़कों, क्योंकि सड़कें दुरुस्त नहीं रहेंगी तो काफ़ी जो है आक्रोश का भी सामना करना पड़ेगा नगर निगम प्रशासन को और इवन जनप्रतिनिधियों को भी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसी कारण
हमने कल तुरंत एक बैठक बुलाई थी पूरे अधिकारियों की कि त्यौहार सर पर है, यदि इस प्रकार कर रहा है तो, क्योंकि हमारा शहर संस्कारधानी है, यहाँ पे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे शहर में लोग घूमने का भ्रमण करने निकलते हैं, मूर्ति देखने निकलते हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार जुलूस के रूप में निकालते हैं, दशहरा है, गणेश चतुर्थी, सभी प्रकार के त्यौहार आने वाले हैं। हमने उनको तुरंत बोला कि आप पूरे रोडों की सबसे पहले मरम्मत करिए ताकि त्यौहार के समय किसी को किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि ना हो। इस प्रकार की मीटिंग लेकर कल हमने सभी अधिकारियों को आदेशित किया है, महापौर जी ने भी आदेशित किया है कि आप तुरंत इस रोड जितने गड्ढे हैं उनको भरें ताकि आने वाले त्यौहार में किसी प्रकार की दुर्घटना और जनहानि ना हो। कमलेश जी, आपके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार है और कंप्लीट जो है लोक निर्माण विभाग के आप प्रभारी हैं, तो आपकी गिनती होती है सक्रिय जनप्रतिनिधियों में, सक्रिय MIC सदस्यों में और एक विजन वाले जो विकास के प्रति रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। आपकी पर्सनल सोच क्या है, आने वाले दिनों में किस प्रकार का काम आप करने वाले हैं अपने विभाग को लेकर और शहर की सड़कों के मामले में? हमारी पहली प्राथमिकता तो यह है कि जो भी रोड बने वो गुणवत्तापूर्ण बने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि आप गुणवत्तापूर्ण रोड बनाएंगे तो जनता बहुत खुश होती है। आप आधा काम करें, हम नहीं बोलते कि आप पूरे शहर में विकास करें, आप जितना काम करो मगर अच्छा करो ताकि देश का, शहर का हमारे विकास हो और आने वाले 5-10 साल तक रोड चलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो रोडें बनती 3-4 साल में उखड़ने लगती हैं। हमारी प्राथमिकता तो ये है कि शहर को, अगर आपको स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, अगर अच्छा स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले गुणवत्ता देखना पड़ेगा, और यदि गुणवत्ता हमारे अधिकारी भी नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से हम अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अधिकारियों का पहली प्राथमिकता होती है कि वो जाके स्पॉट पर रोड देखें कैसी बन रही है, और यदि किसी ठेकेदार ने गलत काम किया है तो उसको भी ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा, क्योंकि शहर में लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको सबसे उम्मीदें रहती हैं और हम इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। अभी हमने जो भी रोड बनाए हैं शहर में आप देख सकते हैं, उसको बहुत शानदार रोड बनी, गुणवत्तापूर्ण रोड बनी है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसी प्रकार की रोड पूरे शहर में बने ताकि आने वाले समय में हमारे शहर एक महानगर के रूप में विकसित हो, संस्कारधानी है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा तो हमारे शहर का नाम होगा और शहर के नाम के साथ साथ हम लोगों का भी लोग नाम लेंगे। महापौर जी का भी लगातार ये बयान आ रहा है कि जिन इलाकों की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, गड्ढे जिसमें उभर आए हैं, बारिश के चलते उनका निर्माण संभव नहीं है, क्या ये मान लिया जाए कि अब बारिश तक जनता को जो है इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसीलिए तो अधिकारियों को बैठक बुला के यदि ऐसे गड्ढे हुए हैं तो उनको गड्ढे भर देंगे, क्योंकि डामल का काम बारिश में नहीं हो सकता, और डामल का काम अगर यदि हमने बारिश में कर दिया तो पूरी रोड बह जाएगी और वो पूरा काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। आज लेकिन महापौर जी ने सबको कल मीटिंग में बोल दिए कि आप जहाँ जहाँ गड्ढे हैं आप पहले गड्ढे भरिए, और गड्ढे हम इस बार ऐसे नहीं भर रहे हैं कि उसमें जाके डस्ट डाल दिए, वो दूसरे तरीके से भर रहे हैं ताकि वो गड्ढे कम से कम 1-1.5 महीने तक चलें, उसके बाद फिर हम उसके बाद, क्योंकि हमने कई रोडें ऐसी सैंक्शन किए हैं जो बारिश के बाद हमारी बनना शुरू हो जाएगी। लगभग 4-5 किलोमीटर की ऐसी रोडें हैं अलग अलग क्षेत्र में जो हमारी डामल की रोड है और सीमेंट की जो CC रोड है वो भी बनने को तैयार है। बस ये जैसी बारिश खत्म होती है आपको खुद देखने को मिलेगा कि शहर में कितनी तीव्र गति से विकास हुआ है। कमलेश जी, हर विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ की सड़कें बनाने का ऐलान हुआ और उसमें अमल भी हो रहा है, बाकी कुछ इलाकों के विधायकों और वहां के जनप्रतिनिधियों में कुछ आक्रोश भी नजर आ रहा है, आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है? नहीं, जो विधायकों के उनके कहने से हमने जो रोडें ली हैं वो कई विधानसभा में काम चालू है, कई जगह रोड हो चुकी है, और भी जो आगे विधायक जी हमारे जो भी रोड बोलेंगे हम उनको जरूर करेंगे। और अभी ये जो रोडें बन रही हैं आप देखिए, मॉडल रोड के तहत बन रही हैं, बहुत शानदार रोड बन रही है, जहां भी आप देखो विधायकों के कहने से जो हमने रोड बनाए बहुत शानदार रोड बन रही है। कमलेश जी, उम्मीद करें कि अब आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण होगा, इसमें कोई गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? अब ये हम आपको बिल्कुल आश्वासन ही नहीं, 100% कहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की इस काम में धांधली होगी तो जो इसमें जिम्मेदार अफसर होगा या अधिकारी होगा या ठेकेदार होगा उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण काम हो ताकि शहर में ये ना हो कि 3 साल में रोड खराब हो जाए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का पैसा हम उपयोग करते हैं, यदि जनता का पैसा अगर गलत प्रकार से उपयोग होगा तो निश्चित रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कमलेश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की और जिस प्रकार से नगर निगम का काम आने वाले दिनों में सड़कों की बदहाली दूर करने को लेकर किया जाना है, इन तमाम पहलुओं पर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर निगम के लोक निर्माण प्रभारी कमलेश अग्रवाल, जो हमसे तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि घटिया निर्माण बिल्कुल नगर निगम की सत्ता बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हेतवी न्यूज के साथ।